अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम लैपटॉप की पुरानी बैटरी से पावर बैंक बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें पावर मॉड्यूल चाहिए, चार्जिंग मॉड्यूल। ये बाज़ार से मैं लेकर आया हूँ, तो ये तकरीबन 250 रुपये का मिला है। ये आप देख सकते हैं, इस पावर मॉड्यूल के बारे में बता दूँ, ये एंड्रॉयड इसमें चार्जिंग है। देखते हैं, इसमें दो यूएसबी केबल्स हैं और ये एक इसका बटन है और साथ ये एक फ्लैश लाइट लगी है इसमें। ये बैटरी है लैपटॉप, इसको मैंने खोली, ओपन कर लिया। मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे है। के अंदर ये रिचार्जेबल सेल है, इन रिचार्जेबल सेल को हम इस्तेमाल करते हुए अपना पावर बैंक तैयार करेंगे। ठीक है, इन बनाने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। ये जो हमारा मॉड्यूल है ये पैरेलल में काम करेगा, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। ये हमने सेल चेक करनी है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव, सीरीज में है कि पैरेलल में। इसको चेक करने के लिए ये हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने इसको इसकी बॉडी से सेल ऊपर निकाल लिया है। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कितने सेल का आ रहा है मदर और कितने नहीं। इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी हमने रेंज 20 पर रखनी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये कितने सेल काम करते हैं और कितने नहीं, और कितने को हमने रीडिंग के लिए इस्तेमाल करना है या नहीं। ठीक है, इसकी ये वाली जो साइड है ये नेगेटिव होती है और ये इसकी पॉजिटिव, इसके ऊपर लिखा भी होता है। ये एक सेल जो है 1200 1210 से मैच का है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये 3 वोल्ट से शो कर रहा है, 3.51। ये सेल ठीक है हमारा। इस तरह हम सारे सेलों को बारी बारी चेक कर लेंगे कि ये सेल ठीक है या नहीं। ये भी ठीक है हमारा, ये भी काम आ जाएगा। उसके बाद थर्ड को चेक करते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद फोर्थ को। जी तो व्यूअर्स, हमारी सोल्डरिंग मुकम्मल हो चुकी है। छोटा सा डेमो दिखाता हूँ उसके मोबाइल चार्जिंग का। इसको मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ अभी आपको, बाद में इसकी मुकम्मल फिटिंग दिखाऊंगा। इसकी दो वायरें जो उसकी हमने पैरेलल में सारे इसके पॉइंट कनेक्शन कर लिए। अब मैं इसको आपको डेमो दिखाऊँ, ये हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी मॉड्यूल के ऊपर लिखे हुए हैं। ये पहले थोड़ा सा स्टार्ट होकर ऑफ हो जाएगा, इसका फिर हम ये बटन प्रेस करेंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा हमारा जो मॉड्यूल। मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए हमारा मॉड्यूल ऑन हो गया है। इससे ये 6% बैटरी को शो कर रहा है। मैं इसके साथ मोबाइल अटैच करता हूँ, ये यूएसबी केबल के जरिए। ये देखिए आप, इसकी लाइट भी ऑन हो गई है। मैं इसके साथ आईफोन को अटैच करता हूँ, ये देखिए हमारी चार्जिंग शुरू कर दी है। ये पसंद आई हो उसकी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।